हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ पे खेत। तो खेत में मैं सब्जी लेने आई थी। मैंने सोचा देखते हैं क्या क्या सब्जी है, क्योंकि शाम के लिए सब्जी नहीं थी। और अब तो हमारे यहाँ पे मतलब सर्दी में बिल्कुल सर्दी में कुछ भी नहीं होता सब्जी सब्जी। मैंने सोचा चलो देखते हैं, आज सब्जी थी नहीं, मैंने सोचा कुछ तो लेकर आती हूँ खेत से। ओहो, मेरा धातु फंस गया। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे खेत में कौन कौन सी सब्जियाँ। अब ख़त्म हो गई सारी सब्जियाँ। तो गाइस ये देखिए मिर्ची भी लाल लाल हो गई है, बहुत तेज है ये मिर्ची लगने वाली। तो गाइस अब इसमें ना अच्छी वो लग रही है, पर अब सर्दी के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगी। ये देखो यहाँ पे भी इतनी सारे बैंगन लग रहे हैं, शायद ये तो थोड़े बहुत हो ही जाएंगे, क्योंकि जब मैंने इसमें इंसेक्टिसाइड दिया नहीं तो ये ख़राब हो रहे थे सारे। पर अब सूखा भी पड़ गया ना, इतने सारे लग रहे हैं। और खीरे भी, अब तो खीरे ऐसे बेकार बेकार है। और मुझसे कद्दू भी टूट गया, एक कद्दू अब ऊपर है, पक गया है, पर बीज के लिए सही है। अब इतनी सब्जियाँ ही रही है हमारे खेत में, कुछ टाइम के बाद कुछ भी नहीं होगा। सर्दी में यहाँ कुछ भी नहीं होता है। और अब टमाटर तोड़ती हूँ, थोड़े बहुत टमाटर भी तोड़ देती हूँ। टमाटर भी है थोड़े थोड़े, देखो कहीं कहीं है टमाटर भी। अब और टमाटर तैयार हो जाएंगे गाइस। ये देखिए जो ये छोटे छोटे टमाटर हैं अब पकेंगे। ये सर्दी में काफ़ी लेट तक पकते हैं ये टमाटर, फिर तो हमने निकाल के रखे होते हैं, फिर घर में पक जाते हैं। और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये चेरी टमाटर का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ना अच्छे पक जाते हैं, सर्दी तक चलते हैं। लो हाइट में तो 12 महीने रहते हैं ये वाले टमाटर, हमारे तो चलो बर्फ़ से जल जाते हैं। तो ये इतनी सारी सब्जियाँ हार्वेस्ट कर दी है। मुझे तो बड़े टमाटर से अच्छे लगे चेरी टमाटर, थोड़े खट्टे होते हैं, ज़्यादा नहीं डालने पड़ते। बैग लेकर आई, उसमें कद्दू भी डालना, अभी कद्दू भी है। तो गाइस ये देखिए इतनी सारी सब्जियाँ तोड़ दी मैंने, मिक्स वेज बनाऊंगी आज शाम के लिए। तो गाइस इसमें देखो अभी भी खीरे लग रहे हैं, ऊपर भी लगा एक खीरा, पर अभी निकाल नहीं पाऊंगी मैं, उसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा पेड़ में, मेरे बस में नहीं है इसमें। ये देखो और एक लौकी लगी थी, और यहाँ पे भी लग तो रही है, पर ख़राब हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब कामयाब होने वाली। मैं लेके जा रही हूँ घर ये पैकेट। ये कौन सी राजमा है? अंजी मैं यहाँ पे भुट्टा तोड़ रही हूँ, इसमें तो ये वाला है, कुछ तो इसे पक ही गए।
पता नहीं शूके और कहने जो एक तो शश तो गाइज ये देखिए ये मैं लौकी काट रही हूँ, पर ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके साथ मैं कुछ दूसरी सब्जी मिक्स बनाती हूँ। सब्जी तो मैं इतनी सारी लेकर आई हूँ, पर इसके साथ देखती हूँ क्या बनाऊँगी। पहले इसको काटूँगी। वैसे मुझे भी ये कद्दू लौकी पसंद ही है, ज़्यादा तो नहीं है। देखते हैं अब क्या बनती है दूसरी सब्जी। गाइज ये देखिए क्या हाल हुआ, ये अच्छी नहीं निकली, ये ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने थोड़ी सी डाली इसमें जो अच्छी अच्छी थी। फिर मैं मिक्स वेज बना रही हूँ सारी सब्जी को काट के, तो अच्छी बनेगी। मिक्स वेज मेरी फेवरेट है। गोभी सब कुछ काट के, शिमला मिर्च भी काटूँगा और बैंगन भी। हम दो चने हमारे लिए तो पूरी हो जाएगी। वैसे इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी है अभी, और इतनी सारी सब्जी बची है, मैं इनको धो के यूज़ करूँगी। हरी मिर्ची बहुत तेज़ लगने वाली है, एक मिर्च भी काफ़ी है। मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट पहना। बस इतने ही टमाटर काफ़ी है धोने पर। ये मेरा तड़का हो रहा है क्या, मैंने प्याज डाल दिया, टमाटर काट रही धो के, मिर्च और टमाटर। तो गाइस रात होने वाली है और मेरे कपड़े भी वही नीचे हैं, मुझे अपने कपड़े भी उठाने पड़ेंगे। तो गाइस ये बना रही हूँ मैं सब्जी। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्ते सभी को, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर या अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए मेरी वीडियो। बाय बाय।